में क्योंकि शारिक का बर्थडे है, तो आज हमने जैसे कि बताया था कि हम शाम को आज जाएंगे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो ये जो एक ये जो जगह है बहुत हाइप हो रखी थी गुड़गांव में सेक्टर 51 में, बहुत बहुत ज़्यादा, आप गूगल कर लें, यूट्यूब कर लें, इसका तो इतना नाम हो रखा है। तो हमने कहा चलो आज हम भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर बुफे सिस्टम है पूरा, तो शारिक ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं, मैं भी गेट के बस अंदर आई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या है। तो ये एंट्री करते ही मैं यहाँ से दिखाती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। रुको अरे कहा तो लो शारिक का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम आ गए हैं सेक्टर 51 में। और पर दो हैं ऑप्शन हमारे पास, इम्परफेक्टो और द बारबेक्यू टाइम्स। ये बहुत हाइप पर है तो हमने कहा कि आज हम बारबेक्यू टाइम्स चलते हैं। बारबेक्यू टाइम्स में और ये है सेक्टर 51 गुड़गांव में। तो आज शारिक का बर्थडे हम द बारबेक्यू टाइम्स में हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और ये बहुत बहुत इसका हाइप हो रखा था, मैंने बहुत यूट्यूब गूगल सब भरा पड़ा है। बहुत सिर्फ हैं है? सच में पहली बार मैं देख क्या हूँ, मैं देख क्या हूँ पिज्जा से लेके जलेबी से लेके पिज्जा पानी पूरी। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे अगर पहुँचना हो तो कैसे आएगा इंसान? M2K कॉर्पोरेट पार्क सेक्टर 51 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है ना खाने पीने का, एक इम्परफेक्टो और ये द बारबेक्यू टाइम। फिलहाल हैं द बारबेक्यू टाइम्स में क्योंकि शारिक का बर्थडे है, तो आज हमने जैसे कि बताया था कि हम शाम को आज जाएंगे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो ये जो एक ये जो जगह है बहुत हाइप हो रखी थी गुड़गांव में सेक्टर 51 में, बहुत बहुत ज़्यादा, आप गूगल कर लें, यूट्यूब कर लें, द बारबेक्यू टाइम्स का तो इतना नाम हो रखा है। तो हमने कहा चलो आज हम भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर बुफे सिस्टम है पूरा, तो शारिक ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं, मैं भी गेट के बस अंदर आई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। तो ये एंट्री करते ही मैं यहाँ से दिखाती हूँ इम्परफेक्टो। तो ये यहाँ पे क्लब वगैरह है, यहाँ पे पार्टी शार्टीज होती हैं, गाने वगैरह चल रहे हैं। और ये है द बारबेक्यू की एंट्री यहाँ से, ठीक है। एंट्री करते ही एक स्टैचू है यहाँ पे और ये है इसका इंटीरियर। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है ऑलरेडी यहाँ पे, और यहाँ पे आने से पहले ही आपको बुकिंग करानी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे सिटिंग का जो है वो अवेलेबिलिटी का शॉर्टेज रहता है। क्योंकि आप क्राउड देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पे सिटिंग के लिए परेशानी होगी अगर आप बिना बुकिंग कराए आते हैं। तो अब खाने पीने में क्या क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्टार्टर ऑलरेडी यहाँ आ चुका है हमारा, यहाँ बर्थडे बॉय ऑलरेडी क्या खा रहे हैं अभी, चिकन विंग्स। ऑलरेडी बर्थडे बॉय स्टार्ट कर चुके हैं और ये आ गया है हमारा स्टार्टर।
तो बारबेक्यू नेशन तो हमने बहुत इंजॉय किया है. पहली बार हम द बारबेक्यू टाइम्स आए हुए हैं, तो लेट्स सी कि यहाँ क्या सर्विस है और कैसा खाना है, कैसा मतलब इसकी टेस्ट वाइज कैसा है. मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो सबसे पहली जो चीज़ आई है वो है स्टार्टर. हमने सुना है कि यहाँ पे 150 डिशेस जो हैं वो अवेलेबल है. तो अभी जस्ट हमारा यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह सेटअप होने वाला है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लगेंगी. यहाँ पे कोल और बारबेक्यू चालू होगा और बस अब मैं ये इन्जॉय करती हूँ. है फिश, अब कौन सी फिश है नहीं पता, बट बहुत ही टेंडर है ये, बहुत ही अच्छी. और ये है चिकन विंग्स और यहाँ हमारा बारबेक्यू आ चुका है. तो इसमें हमने लिया है प्रॉन्स, लिया क्या है, ये है ही इनके नॉन वेज वैराइटीज में से. और ये कबाब भी है यहाँ पे, तो ये अभी तंदूर हो रहा है, तब तक हम अपना चिकन विंग्स इंजॉय करते हैं. सबसे पहले तो ये देखिए कितना टेंडर है, ये फिश है. चटनी में भी यहाँ पे वैराइटीज है, ये रेड चटनी है, ये सोया सॉस है, ये ग्रीन चटनी है, ये मेयोनीज है. ये है हनी चिली चिकन, बहुत यम्मी, बहुत ज़्यादा यम्मी है. इसको क्या किया हुआ है? हनी सिनेमन. हाँ, हनी सिनेमन. हनी सिनेमन. सिनेमन, ओके. हनी और सिनेमन बस काफ़ी है. थैंक यू. तो ये पाइनएप्पल को हनी सिनेमन के साथ थोड़ा सा वो किया हुआ है ग्रिल. यार ये पाइनएप्पल बहुत अच्छा है, इसको हनी सिनेमन में ग्रिल किया हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है इसको खा के. और ये है भट्टी चिकन, इसका नाम ही है भट्टी चिकन, इतना यमी है ना, ये स्टार्टर्स में ही आप खा खा करके आपका पेट भर जाएगा. तो अभी ये बस स्टार्टर है, अभी मेन कोर्स बाकी है, चटपटा कॉर्नर बाकी है जहाँ पानी पूरी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है. मज़ा आ गया. ये स्मॉल बर्गर देखो, ये छोटे छोटे साइज के बर्गर है. और वहाँ पे मोमोज फ्रेश एकदम स्टीम हो रहे हैं. आपको खाने देखिए पानी कौन कौन सा है, ये मीठा और ये खट्टा पानी. ये गोल गप्पे हैं यहाँ पे. स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया, पाव भाजी तो बन रही है. पाव भाजी खानी है. ये क्या है, सूप सांबर है. अच्छा सांबर है. Yeah.
जस्ट लाइफ किचन इसके पीछे है। और ये है मेन कोर्स, क्या क्या है भाई, वाओ बिरयानी है, वेज बिरयानी है, दाल मखनी, पनीर, ये है कढ़ी और पता नहीं क्या है ये, इसमें क्या है, मिक्स वेज। तो ये पूरा वेज सेक्शन है, राइस और चाप, नूडल्स है, ये पता नहीं क्या है। ये है नॉन वेज सेक्शन, आई थिंक ये मटन है। ये है आपका चिकन, ढाबे का तड़का, ये सब क्या है, लेमन पिकल, मिक्स पिकल, गोंगूरा, अच्छा ग्रीन चिली पिकल, सब कुछ फ्रेश बन रहा है। आइसक्रीम अभी खाना है, अच्छा कौन कौन से फ्लेवर है, वनीला, स्ट्रॉबेरी और पान, ओके नाइस, ये लेंगे हम बाद में लेंगे अभी। स्ट्रीट ऑफ इंडिया, जलेबी, गुलाब जामुन, हलवा, एकदम फ्रेश बन रहा है यार। मैंगो ट्रफल केक है, सैलड वगैरह, और शारिक ने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पिज्ज़ा, ओ वो देखो अवन, इधर पास्ता शॉर्मा, ओके पता नहीं क्या है ये, इसमें लिखा भी नहीं है। यम्मी, शारिक को बहुत अच्छा लगा मोमोज, मोमोज की शक्ल देख के ही लग रहा था कि बहुत अच्छा होगा। मोमोज भी ट्राई करती हूँ, डिमसम मोमोज जो बने हैं ना, ये आलू के स्टार्च से बना है, मैं बहुत कंफ्यूज थी ये किस चीज़ का बना हुआ है, तो ये आलू के स्टार्च से बना है ये मुझे अभी पता चला, और इसके अंदर जो है वो है चिकन की फिलिंग। सो ये है हमारे पास इसका मेन्यू, ठीक है, तो यहाँ पर ये है सूप, ये है स्टार्टर्स, वेज में है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं इतना तो नहीं पढ़ पाऊँगी, स्टार्टर्स नॉन वेज में है, और ये है इटालियन लाइफ काउंटर, ये है स्ट्रीट फूड जिसमें पाव भाजी, पानी पूरी, पापड़ी चाट, दही भल्ला, ये सब रहेगा। साउथ इंडियन भी है यहाँ पे, उपमा, उत्पम, कर्ड राइस, स्टीम इडली, मसाला डोसा, रवा डोसा, मैसूर डोसा, मेन कोर्स वेज में भी है ये सब, पंजाबी कढ़ी वड़ी, और मेन कोर्स नॉन वेज में है लाल मांस, क्लासिक बटर चिकन, सिंगापुर न्योना, पता नहीं क्या है ये, ढाबा का तड़का, वेज, ठीक है, पनीर टिक्का रोल वगैरह है ये सब, ठीक है, ढाबा का तड़का नॉन वेज, तो ये वेज है, ये नॉन वेज है, ठीक है, तो ये है इसका मेन्यू। डेजर्ट का ये रहा, डेजर्ट रसमलाई, जलेबी, गुलाब जामुन, मूंग दाल, स्ट्रॉबेरी पेस्टी, चॉकलेट कपकेक, मैंगो फ्रेश बार, ये सब है, डिप सॉस एंड चटनी वगैरह है, सालसा, आम की चटनी, आइसक्रीम, टर्किश एंड लेबनीज, फलाफल एंड हमस, ये बहुत अच्छा हो रहता है, ठीक है, आइसक्रीम में है
हॉट बेवरेजेस में हैं, बेवरेजेस। ये इसका डेजर्ट वाला सेक्शन है, आइसक्रीम डेजर्ट वगैरह, ठीक है, ब्रेड्स, सैलड्स, पापड़। और बहुत शोर था, आई डोंट नो, पता नहीं मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो पाई है या नहीं, बट मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है, आप लोगों के साथ ये शेयर करने की। बहुत मज़ा आया हमें आज बारबेक्यू आके। पर पर्सन एक ड्रिंक जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, ड्रिंक जो है आपको दोपहर के मील में ही कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, नाइट के मील में नहीं मिलता। तो ये जो है अभी फ़िलहाल हम नाइट में हैं, तो नाइट में आए हुए हैं तो हमें ये परचेज़ करना पड़ा है। अगर आपको ड्रिंक जो है आपको सेव करना है तो आप दोपहर में आइए। ये है, मैंने लिया है वर्जिन मोहितो और उन्होंने कोक लिया है, डाइट फ्री कोक। यहाँ ड्रिंक्स का भी ऑप्शन है, थैंक यू। सो सब कुछ यहीं बन रहा है, यहीं से स्टार्टर्स वगैरह सब कुछ यहीं से गया है। ओके कुकर मीट किस चीज़ का है, मटन। ओके तो ये डायरेक्टली आप स्ट्रेट कुकर दे देते हो। ओके ये टेबल पे सर्व होता है, कुकर के साथ ही सर्व करते हैं ना, हमें देख रही थी सर्व करते हैं। नाइस, वेरी नाइस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर शारिक, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाप रे ये क्या कर रहे हो, केक हमने काटा या आपने वही पैक कर दिया है। ओके ठीक है, तो मैं आज फर्स्ट टाइम लाल मांस ट्राई करने जा रही हूँ, तो मैंने ये थोड़ी सी चिकन बिरयानी ली है और ये थोड़ा सा लाल मांस जो कि राजस्थान का बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये अचार है, ये इसका नाम मैं भूल गई, और ये मिर्च का अचार है, ठीक है। तो मैं ये लाल मांस ट्राई करती हूँ, खाना आउटस्टैंडिंग।
आज हम फर्स्ट टाइम बारबेक्यू टाइम्स आए हैं. टाइम्स है ना, क्या है ये, द बारबेक्यू टाइम्स. कैसा लगा आके? पैसा वसूल हो गया? भूखे आओ भूखे. बहुत अच्छा लगा यार यहाँ आके. कोकोनट है? नहीं. अच्छा, पेट भर गया? नहीं, मुझे नहीं खाना. मेरे को मीठा मत खिलाओ भाई. ये पूरा ऊपर का फ्लोर इम्परफेक्टो का ही है. इम्परफेक्टो ये बहुत सही लग रहा है यार. बट हम इसमें नहीं गए, हम इसमें गए द बारबेक्यू टाइम्स में. बहुत अच्छा था, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आप भी अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो एक बार आप ज़रूर यहाँ आए. ये सारी डेकोरेशन अब निकाल निकाल के इनको दे रहे हैं, बच्चों को. बच्चों का हमला हो गया डेकोरेशन पे. सारी गाड़ियाँ बारबेक्यू नेशन से ही निकल, नेशन नहीं, द बारबेक्यू टाइम्स से ही निकल रही हैं. क्योंकि यहाँ पे और कुछ है भी नहीं, दो ही है बस ना, इम्परफेक्टो और द बारबेक्यू टाइम्स. और कुछ नहीं है यहाँ पे. और अभी 12 बजने वाले हैं. मैं बेबी नींद में उठ के आया, देखें एकदम नींद में है. तो जी हम आ गए हैं घर. बहुत मज़ा आया बारबेक्यू टाइम्स जाकर. हाँ जी, ये भी आ गए छोटे. इनको पता नहीं क्या है परेशानी. बस बस. मिल गया सुकून. देखो तो को डियर, देखो तो भाई को, देख तो लो, देख रहे हो को गंदी बात नहीं करते ऐसा बदमाश. तो आई होप कि आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा आपको. और शारिक को हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब.